हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको YouTube के नंबर वन ब्लॉगर सौरव जोशी की सफलता की कहानी सुनाऊंगी। और आप सौरव जोशी भाई के फैन है तो फिर एक लाइक तो बनता और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, और कमेंट्स में बताना कि आप सौरव भाई फैन है या नहीं बताना जरूर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सौरव जोशी के बारे में। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी के एक छोटे से गांव में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। परिवार में सौरव के अलावा उनके पापा, मम्मी हेमा जोशी, भाई साहिल जोशी के साथ साथ उनके चचेरे भाई पीयूष, दादा और दादी जी भी रहते हैं। सन 1997 में उनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद उनके फादर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हासी शहर में चले आए, जहां वह घरों में पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके फादर ने दिन रात काम किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं की। अनस्टेबल काम के चलते उनके फादर को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 घर बदलने के बाद फाइनली अपने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद ही लिया, जिसके फलस्वरूप सौरव ने अपने क्लास 12 टीएच तक 5 स्कूल बदल दिए थे। वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इसीलिए इंटरमीडिएट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो अब उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन सताने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों के सलाह के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची, इसलिए वो इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। एक साल के इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफी कुछ सीखा, जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग और बहुत कुछ। उन्हें अब ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट आने लगा, पर दिल्ली में रहे हुए एक साल की कोचिंग से कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस अपने घर आ गए। और वह काफी परेशान थे, उन्हें लगा कि वो अब फ्यूचर में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो इतने हताश थे कि अब वह अपने फादर के साथ साइट पर जाकर पॉप का काम तक करने लगे, लेकिन ड्राइंग के प्रति उनकी दीवानगी काफी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। YouTube जर्नी। कहते हैं वक्त सबका बदलता है। बात है 2017 की, जब उनके एक भाई शुभम जोशी ने सौरव के स्केच और ड्राइंग देखने के बाद सौरव को सलाह दी कि भाई तुम काफी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, इसलिए तुम यूट्यूब पर एक आर्ट चैनल बना लो। अपनी उस भाई की बात मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया, जहां 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था कि ड्रॉइंग 2000 नोट विद कलर पेंसिल। अब वह धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक अपनी ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगे, और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरव जोशी आर्ट्स रख लिया। समय के साथ साथ उन्हें YouTube पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए काफी मजा आने लगा। वैसे वह YouTube पर आने से पहले अपने फोन से रैंडम वीडियो अपनी फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वो उसे एक याद की तरह सहेज कर रख सके। इधर वह अपने ड्राइंग चैनल पर लगातार वीडियोस डालने लगे, लेकिन 250 से 300 वीडियो डालने के बाद भी वह सिर्फ 3K से 4K सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए थे। एक हार्ड वर्किंग यूट्यूबर के लिए ये स्टेप काफी फ्रस्ट्रेटिंग करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ वह ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ वह स्केच बनाने लगे, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर ड्राइंग के ट्यूटोरियल भी बनाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी स्किल्स और भी ज्यादा इनहेंस हो गई, और वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए। इसलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया और व्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अपनी पसंदीदा स्केच आर्टिस्ट की डेली लाइफ को जानने के लिए उनके सब्सक्राइबर ने उनके व्लॉगिंग चैनल देखना भी स्टार्ट कर दिया, और जल्द ही उनकी व्लॉगिंग चैनल पर 20K सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। लेकिन YouTube में Google AdSense की पॉलिसी के तहत आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन इतने घर चेंज करने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका AdSense अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। इसलिए उन्होंने फिर से अपना एक व्लॉग चैनल क्रिएट किया। यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के सारे स्टेप्स को क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस फिर से वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल भी डेमोनेटाइज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो।
इसलिए सौरभ ने हार नहीं मानी और फाइनली उनकी तीसरी ब्लॉगिंग चैनल का एडसेंस अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिवेट हो गया। इसमें अपने आठ वाले चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरभ जोशी व्लॉग्स वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। साथ में कॉन्फिडेंस के कमी के चलते उन्हें पब्लिक, यहां तक कि घर वालों के सामने व्लॉग करने में हेजिटेशन होती थी और दूसरी तरफ वह अपने आर्ट्स वाले चैनल से काफी पॉपुलर हो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट वर्कशॉप अटेंड और ऑर्गेनाइज्ड भी की, जहां वह स्टूडेंट्स को आर्ट डिजाइन करना सिखाया करते थे और इसके बाद कई कंपनी उन्हें स्पॉन्सर भी करने लगी, जिसकी बदौलत उन्हें इंडिया आर्ट फेयर, कॉमिकॉन जैसे इवेंट में जाने का मौका भी मिला। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले ही लिया, लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनल वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिससे अब सौरभ को ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था। इसलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरभ ने ठान लिया था कि डेली वह घर में ब्लॉगिंग करेंगे अपने फैमिली के साथ। यानी उन्होंने टारगेट सेट किया 365 व्लॉग्स 365 दिनों में करने के लिए। वह 23 मार्च 2020 का ही दिन था जिस दिन के बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विद माय फैमिली मेंबर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड होने के कुछ ही घंटों में पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइबर्स की मानो बाढ़ सी आ गई। इस वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद वह काफी मोटिवेट हो गए और वह अपनी डेली लाइफ के होने वाली इंसिडेंट को वो अपलोड करने लगे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी मिलने लगी। अक्सर लोग उन्हें यही कहते कि क्या फालतू फैमिली की चीजें दिखता रहता है, लेकिन हेट की परवाह ना करते हुए वो डेली व्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनालिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफी पसंद आने लगा। लोग उनके व्लॉग से अपने आप को काफी हद से कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें और ऊपर से मम्मी जी की डांट, पापा जी का प्यार और दादी जी का स्वैग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरभ जोशी व्लॉग्स में 4 चांद लगाता है। और सच में उनके व्लॉग्स काफी एडिक्टिव होती है। वो अपने आप को अपने ऑडियंस के साथ काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट करते हैं। इसके बाद इन्होंने YouTube के काफी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर एक व्लॉगर बने और सौरभ जोशी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड और अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सौरभ जोशी के बारे में कुछ फैक्ट्स। एक, सौरभ जिस फेवरेट स्केच पेपर में अपना ड्राइंग किया करते थे, आज वही स्केच और ड्राइंग ब्रांड इन्हीं आल्टो इनके द्वारा बनाई गई अम्मा जी के ड्राइंग को कवर पेज यूज करता है। दो, टीन एज में सौरभ एमो बॉयज फैशन से काफी इंस्पायर्ड थे। तीन, सौरभ के चचेरे भाई पीयूष का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनके व्लॉगिंग की सक्सेस में व्लॉग्स के बीच में नटखट सरारते करना और कॉमेडी करना काफी हद तक उनकी पॉपुलरिटी को बच्चों के बीच बनाता है और हर सुबह उनके वीडियो का इंतजार लाखों लोगों को रहता है। तो दोस्तों, सौरभ जोशी आज एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड भी बन चुका है। अपने डेडिकेशन और हार्डवर्क कंसल्टेंसी की वजह से आज ये इंडिया के नंबर एक ब्लॉगर है। उन्होंने आज समय के साथ कदम मिलाकर अपनी ये सक्सेस अचीव की है। उनकी वीडियो में झलकने वाला उनका बिहेवियर, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, शो ऑफ ना करना उन्हें सभी ब्लॉगर से अलग बनाता है। उनकी वीडियो को देखकर एक अपनापन सा फील होता है, कुछ ऐसा कि मानो वह हमसे कितना रिलेट करता है। लेकिन एक समय में उनके परिवार की हालत उतनी सही नहीं थी कि वह रहने के लिए घर तक अफोर्ड कर सके, लेकिन आज सौरभ की हुनर की वजह से उनका पूरा परिवार अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यापन व्यतीत कर रहा है। और इतनी छोटी सी उम्र में सौरभ इतना कैपेबल है कि अपने दम पर लग्जरी गाड़ी और मकान तक खरीद लिया है। वो कहते हैं कि जो मेरे मम्मी पापा का सपना है, मैं उन्हें पूरा करूंगा। उनके पेरेंट्स की मुस्कान बताती है कि उनके बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे माँ बाप राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरीके से हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम लोग उन्हें राजा और रानियों की तरह रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप सौरभ जोशी भाई के फैन हैं तो कमेंट्स में यस लिख के बताना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।